विश्वात्मा विधिर विषयान् प्राश्य भोगांश्च विश्वान् पश्चाज्जन्यान् स्मरति विभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनर्वीक्षणैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणः आत्मसौरः सुरीयः। अथर्ववेदीय मांडव्य उपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हैं। अभी हम लोग मूल उपनिषद के जो सातवां मंत्र है उसके ऊपर विचार करते हैं। यहाँ पर स्मृति पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आत्मा का तीन पाद के रूप में कल्पना किया उसके माध्यम से चल करके आ करके अब जिसके ऊपर से वो चल रहे थे अब दिखा रहे इसी के ऊपर ये नहीं है, इसलिए अब तक प्रज्ञा इस आदर्श मतलब ये उपदेश सुनते सुनते क्या होता है, तब मैं ये नहीं हूँ, तब मैं ये नहीं हूँ, तो आंतरिक वृत्ति उठता है, असंग उठता है। तो वो वृत्ति जैसे हमारे पूर्वक के तो दूरी क्षय हो जाते हैं तुरंत एक फ्लश जैसा होते ही और वो नाश होता है, वो नाश मतलब वृत्ति नाश होता है। इस प्रकार ईंधन आरूढ़ बन्ही ईंधन को नाश करके अपने आप ही नाश हो जाता है, मतलब बंधी नाश नहीं होता, व्यापक बंधी में मिल जाता है, व्यापक तेज स्व पदार्थ में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार वृत्ति आरूढ़ चेतन वो क्या करते हैं, वृत्ति को नाश करके पूर्ण चेतन, वृत्ति आरूढ़ चेतन बड़े छिन्न चेतन जीता होता है, वो क्या होता है पूर्णता में लय प्राप्त कर जाता है। अर्थात क्या होता है प्रमातृत्व नाश हो जाता है, प्रमातृत्व नाश होने के कारण फिर नया कोई परिचिन्नात्मक वृत्ति नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पे वृत्ति यहाँ पे आश्रय अभाव के कारण आश्रय प्रमाण का अभाव, आश्रय प्रमाण का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार से जो उपदेशात्मक ज्ञान हमारे अंदर में ऐक्य बोध उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये प्रतिषेध विज्ञान जिस समय इसके प्रमाण जिस समय ये प्रमाण व्यापार करता है उसी काल में ही वो तत्संबंधित प्रमाण का काम इतना ही है, क्या होता है कि अज्ञान को नाश करना, वो प्रमेय वस्तु में कोई अतिशय आधार नहीं करता, जिसको अज्ञान उसके कोई अतिशय आधार नहीं करेगा तब वस्तु संबंध अज्ञान मत नाश करेगा, इतने प्रमाण करता है, यहाँ भी ऐसा ही है। और दुष्टि प्रमाण के लिए हमारा क्या होता है कि वो जड़ होता है, उसके लिए चिदाभास की आवश्यकता होती है विशेष प्रकाश के लिए, और आत्मा स्वयं एक जय कि संबित एकतान है पूर्ण चेतन रूप है, परंतु क्या होता है यहाँ पे और कोई दुष्ट चेतन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे ही हमारे मतलब भेद बुद्धि मिट जाती है तो अपना स्वयं प्रकाश अपना पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं। अभी क्यों नहीं कि उपाधि की भेद से हम उसका टुकड़ा टुकड़ा प्रतीत हो रहा है, अब भेद बुद्धि जैसे ही मिट जाते हैं तो पूर्ण रूप से अपना प्रकाशित होने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे न अंत प्रज्ञ तेजस प्रतिशत किया, मतलब आपका सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन ही आत्मा का चेतन है, पर उपहित उपाधि नहीं है, उपहित होकर दिखाई दिया, उपाधि के साथ मिल करके जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं उपहित, ठीक है ना, उपाधि के साथ मिल करके उपहित होकर के दिखाई दे रहा, आप उपाधि का निषेध कर रहे हैं। ये ना अंदर को ज्ञान है, ना बाहर का ज्ञान है, ना अज्ञान का ज्ञान है, किसी का ज्ञान नहीं है इसको, परंतु ये पूरा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि जड़ जैसा किसी का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज्ञान स्वरूप है। या कुछ बोलते हैं ना प्रज्ञा युग पर सर्व विषय प्रज्ञातृत्व प्रतिष्ठ समस्त विषय को जानना जो पहले बोलते थे वो भी हम निश्चित कर देते हैं, ना प्रज्ञा अभाव चैतन्य के अभाव भी नहीं है, शुद्ध चेतन व्यापक मात्र इस प्रकार से उपदेश करते हैं। ये 51 पेज में भाष्य टीका पूरा हो गया था ना, भाष्य टीका टिप्पणी इसका पेज पढ़ने में पूरा कर लिया था, अब इस पढ़ने में 52 यहाँ पे बोल रहे हैं युक्तम सर्पादीनाम रज्जादो भ्रांति प्रतिपन्नानाम प्रतिषेधात असत्यम, यह आपका कथन सही है, क्या कथन सही है, रज्जु के ऊपर भ्रांति से कोई प्रमाण से तो हमने जाना नहीं था, भ्रांति से हमें क्या होता है रज्जु के ऊपर सर्प जलधारा दंड माला ये सब भ्रांति हुआ,
अथवा सानुक ऊपर पुरुष की भ्रांति भी, ठीक है, अथवा श्रुति का पिराजल भ्रांति भी, अथवा आपका मरुभूमि में पानी की भ्रांति भी। ये प्रमाण प्रयोग तो किया था, यथार्थ तो प्रयोग नहीं हो पाया, परंतु क्या हो गया, तत्संबंधित भ्रांत ज्ञान। तो जो भ्रांति ज्ञान है वो नाश हो जाए वो तो ठीक है, परंतु जो प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, क्या मैं जागृत काल में अनुभव किया, मैं स्वप्न काल में अनुभव किया, तो वो कैसे नाश होगा जी, वो कैसे नाश होगा। सुक्ति का तो ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व, और जागृत काल में हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, ये दोनों एक है क्या, आप कैसे बोल सकते उसका नाश हो जाए, पूर्ववादी बोल, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं युक्तम, युक्ति संगत है स्वर्पादी नाम सर्प रज्जु भूषण दलधरा अथवा जहाँ भी भ्रांत वस्तु रज्जादो रज्जादो अधिष्ठान में भ्रांति प्रतिपन्ना नाम, जो भ्रांत रूप से प्रतीति हो रहा था, भ्रांति के कारण बोध हो रहा था दिन लोग किसका, सर्पादी नाम षष्ठी विभक्त उसके साथ अन्याय होगा, रज्जादि अधिष्ठान में जो भी भ्रांति के कारण प्रतीति हो रहा था प्रतिषेधा उसका निषेध, हम अपने आप निषेध करते हैं तो असत्य है, मतलब वो वहाँ पे थाने तीनों काल में नहीं था ऐसा तो हम मान सकते हैं, परंतु ये बताओ आत्मनि तो प्रमाणेन गम्यमानानं अंतप्रज्ञत्वादीनं न प्रतिषेध युज्यते मान विरोधात्, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आपने प्रत्यक्ष भी प्रमाण मानते हैं भगवान भाष्य, इसलिए अध्यास भाष्य में स्पष्ट हो गया सारा प्रमाण प्रमेय प्रमाण व्यवहारिक अध्यास करके ही होता है। अध्यास भाष्य में देखेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी कुछ व्यवहार है वो सब अज्ञान से ही होगा, अज्ञान से ही व्यवहार होता है, अपनी पूर्णता की बोध होने के फलस्वरूप फिर क्या होता है ज्ञानी कृषि व्यवहार होते हुए भी व्यवहार नहीं हो रहा है, व्यवहार होते हुए व्यवहार नहीं होने पर वास्तविक तो हम व्यवहार है नहीं, आत्मा पूर्ण है व्यापक है, इसलिए बोलते हैं आत्मा नीतु, परंतु आत्मा में अपने में मैं अपने आप अनुभव किया कि मैं इस वस्तु को देखा है ना, आत्मनि तु प्रमाणेन गम्यमानानं, आत्मा में प्रमाण के द्वारा समझ में आ रहा है जो प्रत्यक्ष, मतलब इस अंत प्रज्ञत्वादि ना मैं बाहरी वस्तु को जाना था, मैं स्वप्न देखा था, मैं उसके लिए प्रमाण हूँ, न प्रतिषेध युज्यते उसका निषेध करना युक्ति संगत नहीं है, क्यों मान विरोधा प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा, ऐसा पूर्ववत शंका करते हैं। आप बताओ आपने कभी कोर्ट देखा, कोर्ट में जहाँ पे किसी को काट गरा में खड़ा कर दिया जाता है साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में किसी खड़ा करते हैं, किसी मामला के निष्पत्ति जज बैठा रहता है, वकील कुछ पूछता है, अब जिसको पूछ रहा है वो व्यक्ति पहले कुछ बोला फिर जब वकील तो है ही वो तो फिर घुमा कर पूछता है, फिर कुछ उल्टा बोलने लग गया, फिर आपको फिर उल्टा बोलने लग गया, तब साहब ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, देखो एक बार बोलता नहीं कभी कुछ बोलते हैं उसका मिथ्या साबित हो जाओ, मतलब जो व्यक्ति बदलता रहता है वो सच्चा व्यक्ति नहीं है, ये हमारे सामान्य व्यवहार में भी। अब देखिए दूसरा, किसी परिवार में कोई नया व्यक्ति आया, यदि परिवार एकबद्ध था उसका में था पर तो उसका कारण विभाजन हो जाता है, तो भेद करने वाला का कोई अच्छा बोलता है क्या, ये भेद दृष्टि अच्छा नहीं होती, ये परिवर्तन व्यभिचार करना ये कोई अच्छी बात नहीं, यही मिथ्यात्व का लक्षण है, इसीलिए भगवान भाष्य का तैतरीय भाष्य में लिखते हैं सत्यम अनंतम, उस भाष्य में लिखते हैं जद वस्तु जद रूपेण निश्चयते तत् न व्यभिचरति तत् सत्यम, जद व्यभिचरति तद अनृतम, ये हमारी सत्य और अनृत की परिभाषा है, व्यवहार में भी हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप निश्चित कर शंका क्या किया कि आत्मनि तु प्रमाणेन गम्यमानानं अंत आत्मा में प्रमाण के द्वारा समझ में आ रहा है जो अंत प्रज्ञ वज्रज्ञा आदि उसका प्रतिषेध युक्ति संगत नहीं है, प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा, आत्मा मतलब आत्मज्ञान साथ के बाद सारा प्रमाण स्वयं ही मिथ्या हो जाता है, सारा प्रमाण आत्मज्ञान के बाद आत्मा सारा प्रमाण आत्मा के ऊपर अध्यस्त था, प्रमातृत्व तो हमने अपने ऊपर अध्यस्त किया बुद्धि के सहारे, मैं जानता हूँ मैं जानने वाला हूँ, वास्तविक मैं जानने वाला हूँ कब, मैं बुद्धि को लेकर के जानने वाला हूँ, ज्ञान की प्रक्रिया नहीं है, मैं ज्ञान सुनू, अब इसको पक्का करने के लिए आप शंका उठा रहे हैं। अब भाष्य में आ जाइए कथम पुनर अंतप्रज्ञत्वादीनां आत्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादौ सर्पादिवत् प्रतिषेधात् असत्यं गम्यते, वो असत है ये कैसे कह सकते हैं, रज्जु में दिखाई दे रहा है सर्प प्रतीति मात्र हो रहा है और यहाँ पे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से गम्य हो रहा है, ये दोनों में भिन्नता है, एक प्रातिभाषिक है एक व्यवहारिक है, अरे व्यवहारिक को नहीं मान तो पारमार्थिक मान लिया प्रमाण गम्य है, इसलिए इसको असत नहीं बोल सकते, मिथ्या नहीं बोल सकते,
तथा मुने प्रश्न के ये तो बताइए अंतप्रज्ञत्वादीना अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ भयतप्रज्ञ ये शब्द जो है गम्य माना नाम जो हमारे समझ में आता है रज्जि दृष्टान्त रज्जादो सर्पवत रज्जादि में जैसे सर्प भूषित माला दंड इस प्रकार किसी का दुष्ट में भ्रांत वस्तु दिखाई पड़ता है उसके समान प्रतिषेध असत्य उसके तुम्हारे का निषेध करना युक्ति संगत ने असत्यम प्रतिषेधात् प्रतिषेध के कारण श्रुति ने यहाँ पे निषेध कर दिया इसलिए वो मिथ्या है ऐसा कैसे कह सकते और असत्य कैसे कह सकते आप गम्यते यदि ऐसे शंका करते उसको भगवान भाषपत उच्चते सुनो हम मिथ्या और सत्य की परिभाषा को पहले आप समझ लें मिथ्या मतलब जो वस्तु व्यभिचार करता है उसको हम मिथ्या बोलते हैं जो व्यभिचार नहीं करता उसको हम सत्य बोलते हैं प्रत्येक आप दृष्टांत दिया था मैंने देखो प्रत्येक दर्शनों में प्रत्येक शाखाओं में अपने अपने शब्दों का अपने अपनी परिभाषा है कि नहीं जिस प्रकार आपने एक गुण शब्द अभी व्याकरण में पढ़ रहे हैं व्याकरण में गुण शब्द का क्या अर्थ होता है अच्छा क्वालिटी सामान्य अर्थ गुण मतलब गुड क्वालिटी व्याकरण में गुण मतलब अ ए ओ को गुण बोलते हैं धनुष विद्या में गुण चढ़ाया मतलब क्या हुआ धनुष ज्या को बांध लिया अच्छी तरह से ठीक अच्छा फिर अंक दर्शन में गुण मतलब 24 गुण और सामान्य पे गुण मतलब 70 रजतम गुण अब देखिए एक ही गुण शब्द और मैथमेटिक्स में गुण जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन शब्द एक ही प्रयोग कर रहे हैं परंतु प्रत्येक की अपने अपने परिभाषित है निश्चय कर दिया हम शब्द का ही अर्थ करेंगे यहाँ पे गणित में जाकर के आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे अ ए ओ को हम गुण बोलेंगे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते और ये ठीक से समझ नहीं पाने के कारण वेदांत संबंध में कठिन होता है हाँ मिथ्या किस तरीके से बोलते हैं जो वस्तु हम एक रूप में निश्चय किया फिर बाद में कुछ देर बाद परिवर्तन हो जाता है चाहे जागृत वस्तु हो चाहे स्वप्न वस्तु हो चाहे वास्तविक वस्तु हो जागृत वस्तु भी हमको लगता है कि सब एक ही प्रकार है परंतु एक प्रकार नहीं है रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है रोज कुछ में परिवर्तन हो रहा है कोई व्यवहार में परिवर्तन कोई साथ में स्वरूप में परिवर्तन कोई परिस्थिति के अनुमान परिवर्तन कल यहाँ पे बारिश हो रहा था आज धूप हो रहा है विकास होता है ठंडा होता है ये रोज नित्य परिवर्तन है इसी को मिथ्या बोलते हैं इसलिए यहाँ पे बोला गौ स्वरूप और विशेष अभी इतर इतर व्यभिचारात रज्जादो इव सर्पधारादि विकल विकल्पित भेदवत सर्वत्र अव्यभिचारात् गौ स्वरूपस्य सत्यत्वम् ठीक है भाष्यकार की पंक्ति देखिए गौ स्वरूप गौ मतलब जो चेतन स्वरूप है गौ मतलब ज्ञान स्वरूप गौ स्वरूप ज्ञान स्वरूप गौ अतएव ब्रह्मसूत्र में है आपके पास गौ अतएव इसकी उत्पत्ति नहीं होती जड़ की उत्पत्ति होता है चेतन की उत्पत्ति नहीं होती जब वहाँ पे ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होता है समझ समझा दिया तब बोलते इसलिए एक ही चेतन मात्र संसार में चेतन तत्व है अतएव सूत्र है ब्रह्मसूत्र जब बोलते गुण स्वरूप अविशेष अपनी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में चेतनता है ना अथवा जो चित आभा चैतन्य के जो आभास वो जो है आभास तो परिवर्तन होता है पर मूल चेतन अविशेष अपनी इतर इतर व्यभिचारा जागृत स्वप्न में व्यभिचार कर जाता है स्वप्न जागृत को व्यभिचार करता है जागृत स्वप्न दोनों सुषुप्त में मतलब जागृत वस्तु स्वप्न में काम नहीं आता स्वप्निक वस्तु जागृत में काम नहीं आता जागृत स्वप्न वस्तु सुषुप्त में तो कुछ ही काम नहीं आता ठीक है ना जागृतकालीन व्यवहार जिससे हम कर रहे थे अब वहाँ पर जागृत बाहरी वस्तु नहीं जागृतकालीन व्यवहार जिससे इस शरीर से कर रहे थे ये शरीर स्वप्नकाल में काम नहीं आता ये पढ़ रहे थे खाट चार पैर के ऊपर स्वप्न में नया शरीर बना करके घूमते रहते हुआ ये शरीर में व्यवहार चलाया मतलब ये भी प्रातिभाषिक है और फिर सुषुप्ति काल में तो पता ही नहीं रहता कहाँ पर आ रहता है परंतु पता किसका रहता है एक चेतन तत्व जो स्वप्न प्रकाशित वो व्यभिचार नहीं कर वो व्यभिचार नहीं कर इसलिए हमें बोलते हैं गौ स्वरूप अविशेष अपि सामान्य रूप से चेतनता सभी में विद्यमान होने पर भी इतर इतर व्यभिचार जागृत स्वप्न को व्यभिचार करता है स्वप्न जागृत को व्यभिचार करता है स्वप्न जागृत सुषुप्ति को व्यभिचार करता है व्यभिचार होने के कारण अब दृष्टान्त को समझ रहे रज्जादो इव सर्प धारादि विकल्पित भेदवत जिस प्रकार एक रज्जु है एक ही रज्जु के ऊपर सर्प भूषित दंड धारा माला कितना प्रकार विकल्प किया आपने कितने विकल्प तो क्या हो गया सर्प भूषित दंड धारा माला ये सब व्यभिचार कर रहे हैं
अधिष्ठान रज्जु में व्यभिचार नहीं है, ठीक है ना, वो एक ही है। ठीक इसी प्रकार जैसा दृष्टान्त में ऐसे यहाँ भी समझना पड़ेगा, वहाँ स्वरूप अविशेष अपि इतर इतर व्यभिचारात् रज्जादो इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत् सर्वत्र अव्यभिचारात्। जैसे रज्जु का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसी प्रकार वहाँ स्वरूप अविशेष अपि सर्वत्र अव्यभिचार, उसका कभी भी व्यभिचार नहीं है। इसलिए गौ स्वरूप सत्यत्वम, जो व्यभिचार नहीं करता वो सत्य है, जो व्यभिचार करता है ये मिथ्या, ये हमारी परिभाषा, ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारे सिद्धांत है, ठीक है। इसलिए गौ स्वरूप सत्यत्वम, समझ में आया इतना, आप देखिए टीका का क्या बोलते हैं। प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, ये जो आपने बोला ना प्रमाण के द्वारा जाना, ये प्रमाण सारा अभ्यास करके ही प्रामाणिक होते हैं, सारा प्रमाण अध्यासिक है। जब हम अपने ऊपर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को अध्यास कर लेते हैं और फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं आत्मा में नहीं है, ये सारा प्रमाण प्रमाता प्रमेय आदि व्यवहार अध्यासिक है। इसलिए आप ये बोलते हैं कि प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, इसके प्रामाणिकता पारमार्थिक प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध नहीं होता। युक्तम अंतप्रज्ञत्वादीनम असत्यम, इसीलिए अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये कहना युक्ति संगत है, ठीक है। प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होने के कारण, प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होने के कारण क्या होता है कि युक्तम, ये युक्ति संगत है, अंतप्रज्ञत्वादीनम असत्यम, अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ आत्मा का पारमार्थिक धर्म नहीं है। आप खुद ही देखो, आप जब जागृत काल में कभी ईश्वर के पास यदि आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान निष्ठ होकर के समाधि निष्ठ होकर के बैठेंगे, तो आपको बाहरी वस्तु की बोध होता है, कुछ भी नहीं बोलते, मतलब शरीर भाव से यदि आप ऊपर उठ सकते हो तब देखना आपकी प्रमात्रित्व तो कुछ चला जाएगा। कोई कोई व्यक्ति पूछता है कि महाराज तो क्या समाधि में आत्मा ज्ञान होता है, क्या बोलते यदि आप यदि वहाँ पे विषय की तरह आत्मज्ञान होगा तो समाधि क्या, तब तो समाधि हुआ ही नहीं। यदि वहाँ पे कोई विषयात्मक ज्ञान हो रहा है समाधि में, तब तो समाधि हुआ ही नहीं। अरे हमारी सिंपली बात है, इसीलिए वेदांतिक समाधि आज मधुसूदन चर्चा से समझाएगा, देखने की सोच किया वेदांतिक समाधि है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कि प्रामाणिकत्वस्य असिद्धत्वात्, अगर एक बार ठीक से पढ़ लेंगे ना ये सब पंक्ति आपको आसान हो जाए। भगवान भाष्य का स्पष्ट करके दिखा है सारा व्यवहार आध्यासिक होता है, प्रमाण का प्रमाण प्रमाण, और इस व्यवहार में पशु और मनुष्य में कोई भिन्नता नहीं है। पशु के अनुकूल वस्तु को देख करके जाता है, मनुष्य भी अनुकूल को जाता है, प्रतिकूल से भाग आता है, ये तो दोनों में समान है। प्रामाणिकत्व सिद्धत्व युक्तम अंत प्रज्ञत्वाधीनम असत्यम इति परिहरति, इसको मन में रखते भगवान भाष्य का बोलते उच्चते, सुनो अब ये उच्चते के फिर अंदर जो बोला ना गौ स्वरूप और विशेष अभी तरह तरह, इसलिए छोटा सा अनुमान के द्वारा समझाते हैं। आनंद गिरी जी विमतम असत्यम व्यभिचारित्वात् संप्रतिपन्नवत्, ठीक है ना, तो इसको व्यभिचारी बोलते हो, मिथ्या किसको बोलते हो पूछते हैं, आप किसको मिथ्या बोलते हो, बोलते जो व्यभिचार करते हैं उसको मिथ्या बोलते, हमें इसके दृष्टा में तो वकील कोर्ट में देख लो सब साथ सिद्ध करते भगवान मिथ्या बोल रहे झूठ बोल रहे, क्यों देखो पहले कुछ बोला था अभी कुछ बोल रहे। इस संप्रतिपन्न सभी सभी संप्रतिपन्न सभी वादी का इस विषय में सम्मति है, जिसमें सभी का सम्मति है। आप बोलते हैं विमतम मतलब विवादास्पद, ये जागृत अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति विमतम से वो ग्रहण होगा, माने अवस्था अवस्थात्रयम, विमतम मतलब अवस्थात्रयम, ठीक है ना, विवादास्पद अवस्थात्रय। असत्यम ये पारमार्थिक नहीं है, क्यों व्यभिचारित्वा अवस्थात्र, एक पुस्तक व्यभिचार करते हैं, और जो व्यभिचार होता है सभी वादी का यह मान्यता है व्यभिचारी वस्तु को या मिथ्या बोलते हैं। कोई आ करके बोला बाजार में ये हुआ, मैं क्या देखने देखने को नहीं मिला, तो हमको कम क्या बोलेंगे, अरे उस आदमी ने झूठ बोला, ठीक है ना, जो जो ये मतलब जो बोलता है वो होता नहीं, इसको मिथ्या बोलते हैं। इसलिए बोलता है विमतम असत्यम विवादास्पद जो अवस्थात्रय विवादास्पद, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, एक बात ही बोलना अवस्थात्रय सत्य प्रमाण के द्वारा जाना हुआ है, और एक बात बोलते हैं मिथ्या कि वो प्रामाणिक नहीं व्यभिचार करते हैं। इसे बोलते हैं विमतम असत्यम को पारमार्थिक नहीं है, कि व्यभिचारित्वा संप्रति बन्नवत उभयवादी संबंध, कोई भी दृष्टांत जहाँ तुम्हारा मान्यता है वहाँ पर देख लो,
संप्रतिपन्न हो तो संप्रतिपन्नत्व में व्यभिचारित तो है ना, का किस विषय में व्यभिचारित उसको बोलते हैं, इस विषय में तुम्हारा जो मत है हमारा भी वही मत है। तो संप्रति उभय मत सम्मत एक दृष्टांत तो लेकर के देखो हमें व्यभिचारित है कि नहीं है। हमने वक्त कोर्ट का दृष्टांत दे दिया, व्यभिचारित आप भी मानते हम भी मानते हैं, तो दृष्टांत में आपका जो व्यभिचारित तो हेतु बढ़ जाएगा। और जो व्यभिचारी होता है तो अपने आप बोलते हो कि सत्य नहीं है, झूठ बोलता है, ये झूठ है, मिथ्या है। जो व्यभिचार करता है वो मिथ्या होता है, ये व्यक्ति है। व्यभिचारितम तत्र तत्व असत्यम अन्यतम मित्तत्व, ये व्यक्ति है, ठीक है। तो आपका ये व्यक्ति घट जाएगा। अब आपका पक्ष में व्यभिचारित तो दिखाई पड़ता है, पक्ष मतलब विवादास्पद आपका अवस्था त्रय, विवादास्पद अवस्था त्रय भी व्यभिचारी है, इसलिए भी अन्य है। ये अनुमान ये घट जाएगा, सामान्य छोटा सा अनुमान है। विमतम असत्यम व्यभिचारित संप्रति की आह, इसका मन में व्यक्ति भगवान दास बोलते हैं मोह स्वरूप अविशेष, ठीक है ना। ये चेतनता जो स्वरूप है मतलब नो स्वरूप, ये जो है ये हमेशा एक ही रूप रहते हुए भी इतर इतर व्यभिचार तीनों अवस्था जो व्यभिचार एक दूसरे का व्यभिचार करने के कारण, जैसे रज्जु के रूप में जलधारा पुष्प माला दंड आदि व्यभिचार करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं कोई कुछ बोलते हैं, इस प्रकार से विकल्पित भेदवत विकल्पित भेदवत सर्वत्र अव्यभिचार। इसलिए जो सब हर जगह का अव्यभिचार है तीनों अवस्था में, वो कौन है? नो स्वरूप मैं। इसी को तो भगवान भाग चुका है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, बाल्यादिशु अपि जागृतादिशु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यापृताशु व्यभिचारण कर अनुवर्तमान अहम इति अंतस्फुरंत। जो अव्यभिचारी करता है, जो मैं करके चेतनता की बोध होता है, वो अव्यभिचारी करता है, वही दक्षिणामूर्ति, वही तुम्हारा स्वरूप। बाल्यादिशु अपि जागृतादिशु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यापृताशु अनुवर्तमान अहम इति अंतस्फुरंत। स्वात्मान प्रकोटीकरति, इस प्रकार से अपने स्वरूप को जो हमेशा प्रकट करता है, भज किसके लिए? भजताम, जो आत्मचिंतन करते हैं उनके सामने अभिव्यक्त होता है, सब कुछ होता नहीं है। जो भद्र या ये भद्रमूत्र है जो व्यभिचार नहीं करता, इसके द्वारा जो भजता सबको सबके हो तो सबके लिए हो रहा है, परंतु क्या होगा सबको समझ में नहीं आता क्योंकि भय दृष्टि है, अब तो दृष्टि को समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे बोलते हैं कि मतम असत्यम व्यभिचारित्वा संप्रति कर्णवत नौ स्वरूप अविशेष अभी इतर इतर व्यभिचार रज्जादि सर्वधारादि विकल्पित भेदवत। फिर आगे देखिए बोलते हैं टीका में, तस् अविशेष अव्यभिचार, तो मतलब तस् नौ स्वरूप अविशेष, अविशेषता क्या है, सामान्यता क्या है उसका, अव्यभिचारिता, एक व्यभिचार करता है और एक अव्यभिचार हमेशा एक रूप में सात्मान प्रकोटी करते हैं। भद्रया मुद्रया, भद्र मुद्रा क्या है, अहम हम इति अंतस्फुरंत, मैं करके किसी भी अवस्था में, चाहे बीमार अवस्था भी हो मैं बीमार हूँ, अच्छा हूँ देखो मैं अच्छा काम करके, वो मैं का व्यभिचार नहीं है, उपाधि का अलग अलग करती है, जो अव्यभिचार करते हैं उसको दक्षिणामूर्ति वही अमन स्वरूप है। तस् अविशेष मतलब क्या जगह अव्यभिचार तत्र रज्जादो इव इति उदाहरण, वहाँ पे जो है रज्जादो इव सर्पधारादि विकल्पित भेदवत, इतना हिस्सा दृष्टांत है, ठीक है ना, इतना हिस्सा दृष्टांत। इस प्रकार रज्जु रूपी अधिष्ठान एक होते हुए भी उसके ऊपर कई विकल्प करते हैं, इसी प्रकार तुरीय रूपी मतलब चेतन रूपी अधिष्ठान एक होते हुए भी उसके ऊपर जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विकल्प होता है। इसलिए बोलते हैं कि तत्र मतलब उस पंक्ति में रज्जाद इव इति उदाहरण भी है, दृष्टांत समझाएगा, दृष्टांत का समझाएगा। अंत प्रज्ञत्वादीनाम इतर इतर व्यभिचारे निदर्शनम अंत प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ उभयत प्रज्ञ अथवा आनंद भूकेश एक दूसरे के व्यभिचार करता है, इस विषय में दृष्टांत क्या है, सर्पधारादि, सर्पधारादि मतलब सर्प जलधारा भूक्षित्र दंड माला ये जितना विकल्प हम करते हैं सब एक अधिष्ठान रज्जु के ऊपर ही करते हैं। अब देखिए एक तो किया असत्य के लिए अनुमान किया, तो सत्य कौन होगा, बोलते विमतम सत्यम अव्यभिचारित्वात् रज्ज्वादिव इति आह अधिष्ठान के समय मृत्तिका इत्येव सत्यम, सत्य दिखा सकती वहाँ पे मूल कारण जो व्यभिचार नहीं करता, मृत्तिका का द्वारा बना हुआ घर कष्ट का सब नाम रूप में व्यभिचार करते हैं, मतलब मृत्तिका तो कोई व्यभिचार नहीं होता, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम ऐसे समझना है। यहाँ पे विमतम से क्या लेंगे, ऊपर में विमतम से किया जाता अवस्था त्रयम, और यहाँ पे विमतम से क्या लेंगे नौ स्वरूप, यहाँ से विमतम से क्या लेंगे जो नौ स्वरूप था चेतन स्वरूप था, है ना, असत्यम वो सत्य है अस्मात अव्यभिचारित्वा तो अव्यभिचारी होने के कारण, ठीक है ना। विमतम इसलिए बोलते हैं वहाँ पर अनुमान में पक्ष किसको माने, जिसको लेकर के विवाद हो रहा है,
उसको विमतम बोलते हैं। मतलब जिस चीज को लेकर के विवाद हो रहा है उस चीज को लेकर के, क्योंकि देखो पक्ष को लेकर के विवाद नहीं होता, इसलिए पक्ष में वहां पर रखा जिस विवादास्पद जिसको लेकर उसमें क्या सिद्ध करना चाहते हैं, एक शब्द इसलिए हम विमतम शब्द प्रयोग करते हैं। विमतम सत्यम विमत जो विवादास्पद ये जो ज्ञान स्वरूप पता है इसको लेकर के वो असत्य है। क्यों? क्योंकि वो कभी व्यभिचार नहीं करता, हमेशा एक रूप रहता है। जिस प्रकार रज्जाधिपत जिस प्रकार अधिष्ठान भ्रांति की अधिष्ठान जो है वो कभी व्यभिचार नहीं करता, भ्रांति वस्तु में व्यभिचार होता रहता है, तो भ्रांति अधिष्ठान व्यभिचार नहीं करता। इति आहुसु को मन में रखते सर्वत्र ये भाष्य का टिप्पण सेकेंड लाइन राइट हैंड कॉर्नर सर्वत्र अव्यभिचारा गौ स्वरूप है ना, हर जगह पे व्यभिचार नहीं करने के कारण वो गौ स्वरूप ही सत्य है और व्यभिचार करने के कारण अवस्था तो मिथ्या है, व्यभिचार करने का इसका भी उपाय है। अब यहाँ पे आगे बोलते हैं जी सर्वत्र तस्य च सत्यत्व सर्व कल्पना अधिष्ठानत्व सिद्धि इति भगवान ने ये देखा कि वो जो सत्य है वो अधिष्ठान है और कल्पित वस्तु व्यभिचारित होती है। जब शास्त्र ने बताया अथवा श्रुति ने बताया मृत्तिका इत्येव सत्य मूल कारण भी यानी कि वही सबका अधिष्ठान है, विवर्त का अधिष्ठान है और बाकी सब जैसे बोलते हैं कि तस्य च सत्य टीका भी वो जो है वह स्वरूपता ही पारमार्थिक सत्य होने कारण सर्वकल्पना अधिष्ठान जिसे वही समस्त कल्पना का अधिष्ठान ये भी सिद्ध होता है। इति भाव इसके अंदर भाव है। अब हमारे पास अनुमान में कितना दोष आता है कि अनुमान में जो लिंग में है हेतुआभास प्रतिपक्ष बाद पांच उसमें एक होता है आपका असिद्धि स्वरूप असिद्धि आश्रय असिद्धि व्यापोषण एक असिद्धि भी एक साथ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा तर्क संग्रह को थोड़ा सा पद तो अपने लिए तो यहाँ पे आएगा वहाँ पे एक असिद्ध एक हेतु आभास है। असिद्ध हेतु आभास का तीन भाग है स्वरूप असिद्धि आश्रय असिद्धि व्याप्यत्व असिद्धि व्यापत्व असिद्धि को एक उपाधि बोलती है स्वरूप असिद्धि उपाधि 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 तो महाव्याधि तो यहाँ पे वो जो स्वरूप असिद्धि मतलब क्या हो गया कि पक्ष में हेतु को नहीं बैठना स्वरूप असिद्धि है पक्ष में नहीं बैठना। आश्रय सिद्धि मतलब क्या होता है कि पक्ष सिद्ध नहीं है गगन अरविंद शुभ सुगंधि अरविंदत्वत कमलवत पंकजवत ऐसा यदि बोलते हैं जल कमलवत तो यहाँ पे उसका आश्रय सिद्धि मतलब स्वरूप सिद्धि नहीं है उसका। और एक हो गया स्वरूप सिद्धि मतलब पक्ष में हेतु को नहीं बना और आश्रय सिद्धि मतलब पक्ष सिद्ध नहीं बना और उपाधि अर्थात व्यक्तित्व शब्द व्यक्ति में असिद्धि है आपने जो व्यक्ति दिखा व्यक्ति सही नहीं है उसका व्यक्ति दूसरे के साथ है। आगे यहाँ पे भी आगे यहाँ पे बोलते हैं कि आपने क्या बोला अव्यभिचारित्व कौन विमतम सत्यम अव्यभिचारित अनुमान में दोष गए पूर्ववादी इस अनुमान में दोष दे रहा है। विमतम कौन है विवादास्पद गौ स्वरूप है ना गौ स्वरूप सत्य है अब व्यभिचारी होने के कारण ऐसा आपने अनुमान किया गौ स्वरूप सत्य है अब व्यभिचारी होने परंतु आपका अब व्यभिचारी तो गौ स्वरूप में नहीं बढ़ता गौ स्वरूप व्यभिचार करता है सुषुप्त में कहाँ पता रहता है कि मैं ज्ञान ठीक है ना इसको पूर्ववादी को यह खंडन करेंगे दोष दे रहा हमारे अनुमान में पूर्ववादी दोष दे रहा है दोष का खंडन करेंगे और दोष क्या बोलते हैं आपका अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि। अब देखिए शब्द तो लिख दिया अव्यभिचारित्व अव्यभिचारित्व आदि आपके हेतु है और असिद्ध मतलब स्वरूप असिद्धि है। टीका में देखिए ना जहाँ पर तस्य च सत्यत्वे सर्व कल्पना अधिष्ठानत्व सिद्धि इति भावो इसका आगे यहाँ तक हो गया हेतु असिद्धि मतलब क्या है आपका जो अव्यभिचारी हेतु आपने दिया वो स्वरूप असिद्धि दोष के द्वारा ग्रसित है। मतलब क्या है पक्ष में आपका पक्ष में हेतु नहीं बैठता मतलब यहाँ पर जो ज्ञान स्वरूप है विमत है वो आप बोला अव्यभिचारी है रज्जु आदि मत तो ये नहीं बैठेगा। अरे आपको आपका हेतु पक्ष में नहीं बैठना है मतलब अव्यभिचारित्व पक्ष में नहीं बैठ रहे मतलब ज्ञान स्वरूपता में अव्यभिचारित्व नहीं है व्यभिचारित्व है। अभी समझ में आया ज्ञान स्वरूपता में अव्यभिचारित्व नहीं है व्यभिचारित्व है इसलिए ज्ञान स्वरूप विमित होगा ये पूर्ववादी कहना चाहते हैं। कहाँ आपको देखा कि ज्ञान स्वरूपता नहीं है सुषुप्ति में देख लो सुषुप्ति में नहीं है ये बोलते हैं वहाँ पे इसलिए बोलते हैं अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि कुछ टेक्निकल टर्म आते हैं
उसको भी अगर आपको सामान्य अर्थ तो मैं बता दिया, क्या बता दिया कि गौ स्वरूप था, आपने कहा कि वो व्यभिचार नहीं करता, ठीक है, आप अनुमान समझे चाहे ना समझे, आपने क्या कहा गौ स्वरूप था व्यभिचार नहीं करता, परंतु हमारा कहना है कि गौ स्वरूप व्यभिचार करता है, कैसे देखो सुषुप्त में आप गौ स्वरूप व्यभिचार होता, ये कहना चाहते हैं, परंतु पंक्ति के प्रयोग किया कि अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि था, कौन सा अनुमान में, द्वितीय अनुमान में विमतम सत्यम अव्यभिचारित्व, तो विवादास्पद जो गौ स्वरूप था वहाँ पे अव्यभिचारित्व रूप हेतु नहीं बैठ रहा है, ठीक है, आप क्यों व्यभिचार करते हैं, ये तो असिद्धि, ये तो शंका है, तो आप आ जाइए फिर भाष्य में आ जाइए, सुषुप्ते व्यभिचरति इति चेत, ठीक है ना, सुषुप्त में व्यभिचार करता है इसलिए अव्यभिचारी नहीं है, यदि हम ऐसा कहें तो भगवान आए संसोच समझ करके बोला करो, क्यों सुषुप्ति का ज्ञान तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ, मैं गहरा नींद में सोया था, ये ज्ञान किसको हुआ, लेकिन ये मतलब अवस्था परिवर्तन के बाद होता है, उस अवस्था के दौरान नहीं होता है, कि उस अवस्था में आप क्योंकि उस समय आपका करण प्रतिबंध हो गया, यदि करण जगा रहता तो कभी आप सो नहीं पाते, यदि करण जगा रहता तब आप सो नहीं पाते, तब उसी समय बोल पड़ते, जैसे कथा ही पंचतंत्र कथा में आता है, एक कुमीर क्रोकोडाइल होते हैं, वो शियाल को खाना चाहता था किसी को, वो नदी तट में आकर के मुर्दा जैसा परा रहा, शियाल तो चालू होते हैं, वो मरा हुआ का मांस खाता है, वो तो अभी मरा है कि जिंदा है वो समझने के लिए क्या बोलता है, बोलता मैं जानता हूँ जो मरता है उसका पूछ हिलता है, अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि, आपके जो अव्यभिचारित्व हेतु सिद्ध नहीं होता, क्यों सुषुप्ति में व्यभिचार करता है, वो सुषुप्ति में क्या होता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, बोलते भाई वहाँ पे क्या होता है, वो मरा नहीं वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है, उस समझ का बोध भी हो रहा है, केवल इतना ही मात्र है कि उसका इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, उसका इंद्रिय नहीं काम, जो भी इंद्रिय काम करने लग जाए तो सो ही नहीं पाएगा बेचारा, सो ही नहीं पाएगा, इसलिए जो रिकॉर्ड हो रखा है अंदर चित्तभूमि में वो उठ कर, क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति नहीं हो सकता, अनुभव के बिना स्मृति नहीं हो सकता, मैंने गहरी नींद में सोया था, ये जरूर कोई अनुभव करने वाला वहाँ पे होगा, ये अनुभव करने वाला चेतन तत्व तो होता है, तो चेतन का व्यभिचार नहीं हुआ, चेतन का व्यभिचार नहीं हुआ, क्योंकि आपने उठ करके बोलते हैं कि मैं आनंद से सोया था, तो आनंद से कौन सोया था उसको, और जिसको जिसने जग करके देख रहा था कोई सो रहा है, दोनों भिन्न है कि नहीं बताओ, आनंद से जो सो रहा है और जो उसको जान रहा है वो जगा हुआ है, वो नहीं सोता, वो नहीं सोता, मतलब ज्ञान स्वरूपता की कभी व्यभिचार नहीं, प्रमाणी से तुमको समझ में कमी है, इसलिए हम बोलते हैं इति चेत न सुषुप्तस्य अनुभूयमानत्वात्, नहीं नहीं सुषुप्त भी आपका अनुभव के में आता है, अनुभूयमानत्वात् है ना, अनुभव करने योग्य होने के कारण आप उठ करके बोलते हैं, इसलिए इस विषय में अपना अनुभव भी है ना, ये तो अनुभव अनुभूयमानत्वात् मतलब अनुभव करते हैं, केवल अनुभव भी नहीं है, शास्त्र प्रमाण भी हमारे पास, दो भयंकर प्रमाण दे दे, अनुभव प्रमाण और एक शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण क्या होता है, नहीं दृष्टुर दृष्टिर्विज्ञातुर विज्ञान, कई बार कई राय है बेदारण्यक में, नहीं दृष्टुर दृष्टिर भी परिलोप विद्यते अविनाशित्वा, नहीं श्रोतुर श्रोते भी परिलोप विद्यते अविनाशित्वा, बेदारण्य को पूछो बेदारण्य को, तो आपका इसमें आएगा ज्योतिर्ब्रह्मण चार तीन होगा, ये जो है और इसमें भी आया आपका वो जो तृतीय अध्याय ना हमारे आपके जागवल्क और जो ना तृतीय चौथा अथवा पांचवा अशुष्टि अथवा कहोल ब्राह्मण वहाँ पे भी है और अंतर्यामी ब्राह्मण के बीच ये अष्टम अक्षर ब्राह्मण में थोड़ा और अंतिम में, क्योंकि ये बार बार बोलते हैं नहीं दस को दृष्टि या कब ये यहाँ पे नंबर नहीं दिया ना पुस्तक में, हमारे पुराने पुस्तक में तो नंबर था, एक मुख्य लास्ट में जाकर बोलते नहीं विज्ञापुर विज्ञाते विपरीरोप विद्याते अविनाशित्व, अर्थ क्या है एक देखो, न ही क्योंकि विज्ञातु, इसका प्रतिपद्य क्या है विज्ञातुरी, हाँ मतलब क्या हो गया ज्ञाधातु प्रत्यय करती अर्थ में हुआ कर्ता, जानने वाले का षष्ठी वचन जानने वाले का विज्ञातु विज्ञाते विज्ञा
विज्ञाते मतलब विज्ञाति प्रातिपदिक है, विज्ञाति षष्ठी एक वचन, हरि 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 शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है, मतलब विज्ञान का, जानने वाले का जो जानने वाले का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का, जानने वाले की ज्ञान का कभी लोप नहीं होता, जानने वाले के ज्ञान का लोप नहीं, दृष्टि उदृष्टि देखने वाले की दृष्टि की कभी लोप नहीं होता, सुनने वाले की सुन धर्म का भी लोप नहीं होता, वो स्वतंत्र से स्वतंत्र, ये स्वतंत्र नहीं, हमारा दो दृष्टि है, एक नित्य दृष्टि एक व्यभिचारी दृष्टि, हमारा दो दृष्टि है, एक नित्य दृष्टि एक व्यभिचारी दृष्टि, व्यभिचारी दृष्टि आँख का है, परंतु आँख की व्यभिचारिता देखने वाला जो है वो नित्य है, डॉक्टर के पास जा करके आप बोलते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर आपका आँख में कुछ लगा देगा, कुछ बदलता रहेगा, आपसे पूछेगा अभी दिखाई दे रहा है, अभी ठीक दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपके आँख की परिवर्तन को कौन देख रहे हैं, अंदर कोई नित्य दृष्टि है जिस परिवर्तन को देख रहा है, इसी प्रकार विज्ञाता सबका जानने वाला, सबका जानने वाला, उस जानने वाले का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का कभी व्यभिचार नहीं होता, ज्ञान का यही तो शंख आपने क्या बोला अभी, विमतम मतलब स्वरूपम अव्यभिचारी, तो आप क्या बोलते, आपने क्या बोला था कि शब्दम अव्यभिचारित्व आपने बोला कि आपका व्यक्ति सही नहीं है, आपका व्यक्ति व्यभिचार है, कहाँ व्यभिचार सुषुप्ति में उसमें ज्ञान नहीं रहता, तब बोलता आपको कौन बोला ज्ञान नहीं रहता, आपको स्वयं उठ करके बोलते हैं कि हाँ मैंने जाना कि मैंने ना नहीं रहा, यही तो बोलना चाहते हैं, ज्ञान स्वरूप का मतलब मैं अपनी अस्तित्व हूँ नहीं जानता भी हूँ, मैं हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, और इस बोध स्वरूप का व्यभिचार कभी नहीं है, वो लोग सुषुप्ति में व्यभिचार होते हैं, उस समय भी आप जानते हो, तभी उठ करके बोलते हो कि मैं था वहाँ पे, तीन बोलते हैं सुखम अहम अश्वस्व न किंचित अवेदिशम, अपनी अस्तित्व को आपने सिद्ध किया, और अपनी अस्तित्व के साथ आपने और क्या सिद्ध किया कि इंद्रियों व्यापार से रहित भी आपका आनंद है, और तीसरे व्यापार के आपने क्या सिद्ध किया, न किंचित अवेदिशम, अपने अज्ञान को भी आपने सिद्ध किया, मैं कुछ नहीं जानता, ये जो सुषुप्ति का इस जागृत को सुषुप्ति बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं हूँ ये बोध भी रहेगा, परंतु मैं कुछ नहीं जाना ये नहीं होगा, नौ स्वरूप मैं ये जान लेगा, इसे ही गई तो भगवान भाष्यकर पहले ही बोल करके आया था, भगवान भाष्यकर पहले ही बोल करके आया था इसको कि मन रूप का कार्य क्या है, आपको जागृत में सुषुप्ति का अनुभव करना है, तो इसलिए आप बोलते हैं कि ये आप नहीं कह सकते अव्यभिचारित्व हेतु असिद्धि सुषुप्ति नहीं, न तत्र चैतन्यस्य व्यभिचार, वहाँ पे चैतन्य की व्यभिचार नहीं है, सुप्तस्य स्फुरण व्याप्तता, उस सुषुप्ति अवस्था में भी स्फुरण मतलब मैं हूँ इसका स्फुरण से व्याप्त रहता है, मैं उठ कर बोलते हैं मैं आनंद से सोया था, यानी कि सोया स्वपन रूपी क्रिया जहाँ पे हो रहा है उसको देखने वाला वो जगा हुआ है, तभी वो बोल रहे हैं कि वो सोया था, उपाधि उपाधि वाला मैं चिदाभास हो गया, अशुद्ध चित्त जगा रहते हैं, इसीलिए चित्त का व्यभिचार कभी नहीं होता, चिदाभास की व्यभिचार होता है, इसलिए मित्र उस समय नहीं जान पाता, इसे क्या बोलते हैं स्फुरण व्यक्ततया साधक स्फुरणस्य आवश्यकता, वो जो हमें स्फुरण की व्यक्ति हुई ना उस स्फुरण को सिद्ध करने वाला कोई चेतन जरूर हमें विद्यमान है, साधक मतलब उसका वादक नहीं है, साधक उसको सिद्ध करने वाला जो स्फुरण चेतन होता है वहाँ पे है विद्यमान है, आवश्यकता वहाँ पे अवश्य है, इति आह न सुषुप्तस्य अनुभूयमानता, सुषुप्ति आपका अनुभव में आता कि नहीं आता, आता है जिसका अनुभव में हो चेतन होता है, इसलिए चेतन का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए बोलते हैं सुषुप्ते साधक स्फुरणस्य सत्य प्र सुषुप्तियों में सुषुप्ति को सिद्ध करने वाला, सुषुप्तियों में सुषुप्ति को सिद्ध करने वाला एक जो ज्ञान स्वरूप है उस विषय में श्रुति प्रमाण भी बोल रहे हैं, सुषुप्ति वे सुषुप्ते साधक स्फुरणस्य मतलब आपके चित्त चैतन्य को सिद्ध करने के लिए, चित्त स्वरूप को सिद्ध करने के लिए जो चेतनता है वो उस समय विद्यमान रहता है, सत्य सत्य मतलब विद्यमानता में प्रमाण है, प्रमाण तो आपका अनुभव तो है ही, परंतु श्रुति प्रमाण भी है, सबसे बड़ा प्रमाण आप भी मानते हो हम भी मानते हैं कि नहीं विज्ञान दुर्विज्ञान देवी परिलोप विद्यते इति श्रुते, और आप हेतु देते हैं अविनाशित्वात्, इसका आगे बात को आता है अविनाशित्वात्, क्योंकि वो अविनाशी तत्व है,
नहीं विज्ञातु विज्ञाते विपरीलोप विद्यत अविनाशित्वा नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीलोप विद्यत ये कई झड़ी लगा देते वहाँ पे जाकर गुरु कृष्ण सब सब इंद्रियों को लेकर के मतलब किसको लेकर के दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता मति का मंत्र विज्ञाते विज्ञाता इसको लेकर के ये व्यक्ति बोल रहे हैं ठीक है सुषुप्ते साधक सुरणस्य सत्य प्रमाणमा अब आगे बोल रहे देखिए टीका में निषेध शास्त्र आलोचनाया निर्विशेषत्वं तुरीयस्य उक्तं तदेव हेतुकृत ज्ञानेन्द्रिय अविषयत्वं आह ठीक है ना अब क्या हुआ यहाँ तक सिद्ध कर दिया कि शिक्षकं तत्त्व शतबिन्दुम अब क्या निषेध शास्त्र आलोचनाया निषेध शास्त्र क्या हो गया अनंत प्रगमन बहिष्प्रगमन उभयतः प्रगमन प्रागमन प्रगमन से पता बोला इसका विचार करने से एक से हुआ अर्जुन निर्विशेषत्वं मतलब जो तुरीय तत्व से तुरीयस्य जो तुरीय रूप में जिसको आप प्रतिपादन करना चाहते हैं वो निर्विशेष है तुरीय की विशेषता क्या है निर्विशेषता है उसकी विशेषता ये होते हैं निषेध शास्त्र आलोचनाया मतलब जहाँ तक अभी मंत्र हमने पढ़ करके आया न अंत प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयत प्रज्ञ न प्राज्ञ न अप्रज्ञ इतना का जो भी हम करके आया उसको आलोचना करने पर क्या सिद्ध होता है निर्विशेषत्म तुरीयस्य तुरीय जो है निर्विशेष है ये उत्तम कहा गया तदेव हेतुकृत मतलब उनकी निर्विशेषता का हेतु बना करके तदेव मतलब निर्विशेषत्व एव हेतुकृत्य मतलब उसके हेतु बना करके ज्ञानेन्द्रिय अविषयत्वम आह है ना ज्ञानेन्द्रिय का विषय ये नहीं बनता ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनता तो क्या बोलते अतएव अदृष्टम है ना क्योंकि अदृष्ट मतलब क्या है यहाँ पे बोलेंगे जस्मात् अदृष्ट मतलब वो इंद्र ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं बनता जब ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं बनेगा तब आप इसको बोल भी नहीं सकते व्यवहार नहीं कर सकते हैं इसीलिए बोलते हैं वहाँ पे मूल मंत्र में देखिए मूल मंत्र में क्या क्या आया हुआ है अदृश्यम अव्यवहार्यम वहाँ पे यहाँ तक हो गया था कि ना प्रगम ना प्रगम उसके बाद अदृष्टम एक साथ पढ़िए सब इसको वहाँ से अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अव्यपदेशम एव आत्म प्रत्यय सारम प्रपंच उपशमं शांतं शिवं अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः तो अभी हम शुरू का अदृष्ट ये जो आपके निर्विशेषता को हेतु करके निर्विशेषता का हेतु बना करके क्या है वो अदृष्ट है अतएव अदृष्ट क्योंकि विशेषता नहीं है इसलिए इंद्रियगम्य नहीं है यस्मात् अदृष्टम तस्मात् अव्यवहार्य क्योंकि वो इंद्रिय का विषय नहीं है इसलिए उसके आदान प्रदान नहीं हो सकता कोई व्यवहार नहीं हो सकता उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कुछ व्यवहार है वो अज्ञान दशा में उपाधि के साथ ही व्यवहार है आत्मा में कोई व्यवहार नहीं आत्मा में कोई व्यवहार होना संभव ही नहीं जितना आप अपना इसलिए ना जो आपको बोला ना ज्ञानी पुरुष का सात अवस्था में मतलब जितना जितना आप आत्मनिष्ठ होते जाएंगे उतना आपका व्यवहार जो है नहीं है अलक्षणम मतलब अलिंगम अलक्षणम अर्थ करते अलिंगम मतलब अननुमेयम इति अर्थ उसका कोई चिन्ह नहीं है उसका अनुमान के द्वारा भी नहीं समझा जा सकता अनुमान उसका अनुमान नहीं किया जा सकता अतएव अचिंत्य अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते इसलिए इसके बारे में चिंतन विचार भी नहीं कर सकते जब चिंतन विचार नहीं कर सकते तब तो आपको सब किसी को उपदेश भी नहीं कर सकते अतएव अव्यपदेशम शब्द शब्द के द्वारा सुझाने में बोला भी नहीं जा सकता तब तो ऐसा वस्तु है ही नहीं जी इस वस्तु ज्ञान कैसे होगा कहने के दोस्तों ज्ञान होना संभव ही नहीं क्योंकि ऐसा वस्तु है ही नहीं क्या ज्ञान हुआ जिसको ना बोला जा सकता है ना देखा जा सकता है ना फिर कोई व्यवहार किया जा सकता है ना समझा जा सकता है ना अनुमान प्रमाण है ना कम प्रमाण कैसे जानोगे उसको तब बोलते हैं नहीं नहीं एक उपाय है वो क्या है एक आत्म प्रत्यय सार मतलब आत्म संबंधी दृष्टि विचार अथवा चिंता वही आपको वहां तक पहुंचेगा यद्यपि मन की विषय नहीं है परंतु निषेध मुख से जब आप उनके लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो वहां तक पहुंचेगा एक आत्म प्रत्यय सारम देखो वहाँ पे बोलते हैं जाग्रतादि स्थानेषु
एको अयम आत्मा इति अव्यभिचारी जात प्रत्यय स्तेन अनुसरणीयम। ठीक है, बोलते एक उसका अर्थ करते हैं जागृत आदि अवस्थान स्थानेषु जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो व्यभिचार तत्व कर हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व जरूर चाहिए। अपरिवर्तनीय तत्व अगर नहीं होगा तो कभी भी परिवर्तन को नहीं जान सकते। आप यदि हम बोलते हैं देखिए ये ऊंचा है हाथ, तो आपको तुरंत प्रश्न आएगा किससे ऊंचा है, तब हम बोलेंगे टेबल के सापेक्ष में ऊंचा। हर परिवर्तन जो है ना किसी ना किसी के सापेक्ष में होता है, इसीलिए एक सामान्य फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सारा परिवर्तन को देखने के लिए एक अपरिवर्तनीय तत्व अवश्य चाहिए। वही उस अपरिवर्तनीय तत्व का अनुसंधान ही आपको हम परिवर्तन को कैसे समझ रहे हैं, कौन समझ रहे परिवर्तन, इसके अनुसंधान आपको उस अपरिवर्तनीय तत्व तक पहुँचा देते हैं। ये सारा परिवर्तनीय तत्व है, तो इस परिवर्तन को जानने वाला कौन है, इसको जब अनुसंधान करेंगे तब आपको वहां तक पहुंच। इसलिए बोलते हैं जागृत आदि स्थानेषु जागृत कितने भी अवस्थाओं में एक अयम आत्मा बस यही एक अव्यभिचारी आत्मा अहम हम इति अंतस्फुरंत मैं करके अंदर से स्फुरण होता है। अव्यभिचारी वो व्यभिचार नहीं करता है, जो इस प्रकार है प्रत्यय, ये इस प्रकार आपको ध्यान आप इस प्रकार की जो प्रत्यय मतलब आपका कॉग्निशन नोशन स्थिर मतलब प्रत्यात्म प्रत्यय बोलते आत्मनिश्चय मैं यही हूँ, इस प्रकार से अव्यभिचारी तत्व है वो जो बोध वो आपको क्या करते हैं तेन अनुसरणीय उसी को अनुसरण करते हैं, उसी के पीछे करते हुए आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, कहाँ अपने स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। एक आत्म प्रत्यय सार इसको कठोपनिषद में क्या बोलते हैं कि कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा नवृत्त कोई धीर पुरुष इसको कर पाता है, सभी व्यक्ति नहीं कर पाता है जो इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते, इसलिए इसके इसी के द्वारा संभव है नहीं तो संभव नहीं। इसको पढ़ने के आनंद गिरी क्या बोलते हैं कि दृष्टस्य एव अर्थ क्रिया क्रिया दर्शना दृष्टस्य एव अर्थ क्रिया दर्शना अदृष्टत्वात् अर्थ क्रिया रहितम् इति विशेषणान्तरम् आह। अदृष्ट मतलब उससे अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होता, मतलब कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, अर्थ क्रियाकारिता मतलब ये विषय के द्वारा ये प्रयोजन सिद्ध होता है, इसको बोलते हैं अर्थ क्रियाकारिता। उसके बोलता है हेय उपाधि एक नंबर टिप में बोलता है हेय उपाधेयत्व राहित्यम, ना वो त्याग करने योग्य है ना ग्रहण करने योग्य है। फिर आपने हमारा केनोपनिषद की भाष्य पढ़ेंगे अन्न देवता विदिता रथ अविदिता अधि, इसके भाष्य में भगवान बोलते हैं विदित वस्तु क्या होता है परिच्छिन्न होता है, विदित वस्तु मतलब ज्ञान के विषय बनता है परिच्छिन्न होगा, और परिच्छिन्न वस्तु आपका नित्य मतलब नित्य नहीं हो सकता, परिच्छिन्न वस्तु नाशवान होता है। इस प्रकार नाशवान वस्तु कभी हम ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए वो हेय है परंतु आप अन्न गुलाऊ यानी कि अहेय और अनुपाधेय कौन आत्मा अहेय अनुपाधेय अन्न देवता विदिता तथा विदिता कभी इसके भाष्य को समझाते हुए भगवान भाष्य ये कहा कि अव्यवहार जो यहाँ पे बोलते हैं मतलब अहेय अनुपाधेय, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हेय उपाधेय तराहितम उसके रही अर्थ क्रियाकारित्व रहित विशेषण अंतर उसके लिए जस्माद अदृष्टम तस्माद अव्यवहार जब उसको व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अदृष्टम इति अनेन अग्रह्यम इति अस्य पौनरुक्तिम परिहरति, जब आपने बोला अदृष्टम तब आप फिर उसके बाद आए अग्रह्यम, तो अदृष्टम और अग्रह्यम का एक ही अर्थ हो गया, बोलते नहीं नहीं अदृष्टम का अर्थ हो गया आप ज्ञानेन्द्रिय का द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, और अग्रह्यम का अर्थ हो गया आप कर्मेंद्रिय का भी योग्य नहीं है। ये अब बोलते हैं यहाँ पे कि अदृष्टम इति अनेन अग्रह्यम इति अस्य पौनरुक्तिम परिहरति, अदृष्टम इस पद के साथ अग्रह्यम इस पद में पुनरुक्ति दोष है, यदि ऐसा कोई कहता है उसको निराकरण खंडन करते हैं भगवान वर्ष का नहीं नहीं अग्रह्यम मतलब कर्मेंद्रिय अग्रह्यम कर्मेंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण किया नहीं जा सकता है। फिर क्या बोलते हैं कि अलक्ष्यम अलक्षणम यदि अयुक्तम, ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि वो उसको वो लक्षित नहीं होता, आपने क्या बोला अलक्ष्यम, ये श्रुति को ऊपर आक्षेप, अरे आप श्रुति ने लक्षण बनाया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या तो वही मानी भूता नहीं जाए तो स्वरूप लक्षण कर बोलते अलक्ष्यम ये कैसे बोल दिया, तो बोलते हैं यहाँ पे कि अलक्ष्यम इति अयुक्तम, श्रुति ने जो ये कहा अलक्ष्यम ये कहना युक्तिसंगत नहीं है, क्यों सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि लक्षण उपलब्ध इस प्रकार लक्षण उपलब्ध नहीं कर इति आशंका। अलिंगम मतलब कोई चिन्ह वाला नहीं है, बनने का चिन्ह क्या है धुआं,
लिंगम अर्थम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, छुपा हुआ विषय को जो प्रकाश करता है उसको लिंग बोलते हैं। आत्मा में कुछ छुपा हुआ है कि सारा स्पष्ट है, तब बोला कि अलिंगम मतलब अरे इसका कोई चिन्ह नहीं है, कैसे बोलते हो चिन्ह नहीं है, पहले बोला कि आपका लक्षण नहीं है, पर लक्षण तो है इसका सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो इसका अर्थ मतलब अलिंगम मतलब इसका कोई चिन्ह नहीं है, नहीं बोल सकते हो क्यों, ऊपर उपनिषद देखो वो ही वो अन्नत का प्राण राज्य देश आकाश, यही तो उसका चिन्ह है, क्या चिन्ह है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ आनंद है, को ही वो अन्नत का प्राण न जग ये आकाश आनंद नश है, ये लिंग है आत्मा का, सूर्य ने यहाँ पे दिखा है, बोलता है अनुमान के द्वारा किसी के सहचर्च नियम नहीं है, वो रहने से ये रह गए बात नहीं है, इसलिए अनुमेया मिति अर्थ, इसका अनुमान के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसको वो ज्ञान स्वरूपता को अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, अनुमान के विषय भी नहीं है, आप अनुमान के द्वारा क्या अनुमान, आपको श्रुति अनुकूल कुछ वाक्यों को समझने के लिए कुछ अनुमान कर सकते हैं, आत्मसंबंधित अनुमान आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं अलिंगमेत अनुमेयम इति अर्थ, अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए को ही वो अन्नत का प्राणनाथ इत्यादि लिंग उपन्यास विरुद्ध, वहाँ पर लिंग दिखाएगा उसके साथ विरुद्ध हो जाएगा, इत्यादि इति आशंका बोलते हैं नहीं नहीं अनुमेयम, तो दो नंबर टिप्पणी में देखिए अननुमेयम स्वतंत्र अनुमान अविषय इति अर्थ, स्वतंत्र अनुमान का विषय नहीं मानता, श्रुति अनुकूल तर्क होता है, अनुमान ही श्रुति सहकार मात्रतया, अनुमान क्या करता है श्रुति की मदद करने के लिए, श्रुति सहकार मात्रतया तत्प्रतिपादकम अभ्युपेयते, वो मतलब उस श्रुति जिसको प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका अनुमान प्रतिपादन करता है, न स्वतंत्र नहीं कि हम स्वतंत्र रूप से नहीं प्रमाण कर सकते, प्रत्यक्ष अनुमान अविषयत्म अयुक्तम विशेष विशेषणांतरम आह, प्रत्यक्ष और अनुमान अविषयत्व प्रयुक्तम विशेषणांतरम आह, ये प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय है कौन, आत्मा, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अनुमान का विषय नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुमान अविषयत्व प्रयुक्तम इससे प्राप्त होता है जो स्थिति उसको एक दूसरे विषय द्वारा समझा है, वो क्या है अतएव चिंत्यम, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान का विषय नहीं बनता, मन का विषय बनता है जिसमें चिंता नहीं कर सकते, अतएव अचिंतम, अब बोलते हैं मनो विषयत्व अभावादेव शब्द अविषयत्म, क्योंकि मन का विषय नहीं है इस शब्द का भी बोल नहीं सकते, अव्यपदेश्यम इसलिए उसको उपदेश नहीं किया जा सकता, अतएव अव्यपदेश्यम शब्द शब्द के द्वारा उसको उपदेश नहीं किया जा सकता, क्यों शब्द प्रवृत्ति तत् प्रवृत्ति पूर्वकत्व, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति से पूर्व है मन में वो चीज पहले आना चाहिए आपको, तब जाकर आप शब्द प्रवृत्ति कर सकते हैं, जो मन के विषय नहीं है तो कैसे कर गुरु शब्द, इसलिए बोलते हैं शब्द प्रवृत्ति है तत् प्रवृत्ति पूर्व मतलब मनो विषय प्रवृत्ति पूर्वक अर्थात मन के व्यापार पूर्वक शब्द, क्योंकि कोई भी इंद्रिय प्रयोग होगा तो मन की व्यापार चाहिए वहां पे, अब मन ही उसको नहीं समझ पाए तो कैसे हम बोलेंगे, इसलिए हमें बोलते हैं पूर्वक अर्थात अतएव अव्यपदेशम शब्द तरी यथकम वस्तु नास्ती है तब तो इससे ही सिद्ध होता है इस प्रकार की वस्तु है ही नहीं, लड़ाई झगड़े का आवश्यकता है ही नहीं मान लो, तो बोलते हैं कि तभी तब तो यथक्तम वस्तु जिस वस्तु का प्रतिपादन करना चाहते हैं मतलब मन स्वरूपता चेतन तत्व तो वो नास्ती है वो, क्यों प्रमाण अभाव किसी प्रमाण से नहीं जाने जाते, जो वस्तु है वो प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं, इतिहास कहा नहीं नहीं एक उपाय है एक आत्म प्रत्यय, एक आत्म प्रत्यय मतलब आत्मसम्मान आत्मनिष्ठा ही आत्मबोध के लिए हेतु, आत्मनिष्ठा ही आत्मबोध के लिए हेतु है सबसे बड़ा, और कोई चीज आत्मबोध के लिए हेतु नहीं, आत्मज्ञान के लिए क्या चाहिए आत्मनिष्ठा चाहिए, मतलब शास्त्र ने बताया जरूर वस्तु होगा, कहाँ होगा कैसे होगा वो हम अनुसंधान करते जाएंगे, शास्त्र ने बताया तो प्राप्त होगा, इसलिए आप बोलते हैं कि इतिहास एक आत्म प्रत्यय सार मतलब जागृत आदि स्थानेशु एक अयम आत्मा, तीनों अवस्था में एक ही आत्मा है जो व्यभिचार नहीं करता, हमेशा मैं करके बोलता रहता है, ये जो प्रत्यय तीन अनुसरण है इसके अनुसंधान इसी बीच इसी को हमारे रामन से बोलते हैं सेल्फ एक्वायरी हु एम आई, बस इसका अनुसंधान करो आत्म तक में पहुंचो, वास्तविक मैं हूँ को जो भी कुछ दिखाई पड़ते यही से भगवान भास्कर बोलते हैं कि प्रत्यय तीन अनुसरण है उसके द्वारा इसको अनुसंधान करना चाहिए, ठीक है अभी रहने देते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा एक पंक्ति की पंक्ति विवेक है मुझे टीका छूट जाएगा, आज कौन सा पढ़ना है थर्ड वाला ना यत्र प्रतिहति
सर्वभावैर्नमस्ते।